कागज की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार की हड़ताल, किताबें, प्रिंटिंग और दीगर स्टेशनरी की 4000 दुकानों को ताले लग गए। कदरीसी कुतुब और कापियों की खरीदारी के लिए उर्दू बाजार का रुख करने वाले तुलबा को शदीद परेशानी का सामना। सानहे मॉडल टाउन में मुबैना मुलविस पुलिस अफसरान को ओएसटी बना दिया गया। आईजी पंजाब का हुक्म, पुलिस अफसरान तारिक अजीज, अब्दुल रहीम शेराजी और मारूफ वहला को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हदायत। 4 साल से मुतालिबा था, आज हुकूमत ने पूरा कर दिया। अदालत के जो फैसले होंगे वो भी खुशदिली से कबूल करेंगे। रहनुमा अवामी तहरीक खुरम नवाज गंडापुर की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। पीटीआई हुकूमत के 100 दिन की कारकर्दगी की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेश। पंजाब के 25% वजीरों की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। सिर्फ 10 सीटों के बावजूद काफ लीग पंजाब में अपना असर रसूख कायम रखने में कामयाब। इंजीनियरिंग कंपनी में बोर्ड मेंबरान और एमडी में तनाज़ा। बोर्ड इजलास में शिरकत के लिए आने वालों को पीको फैक्ट्री के गेट पर रोक लिया गया। बोर्ड मेंबर आरिफ हबीब, मोहम्मद इकबाल, अंसर जावेद, मोहम्मद लियाकत और मिर्जा महमूद के लिए दरवाजे बंद, अंदर नहीं आने दिया गया। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल, एहतसाब अदालत ने हमजा शहबाज शरीफ को मजीद 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले किया। साबिक वज़ीर-ए-आला को 7 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। ओपोजिशन लीडर का 3 रोज का राहदारी रिमांड भी दे दिया गया। आज कौमी असेंबली के अजलास में शरीक होंगे। अदालत में शहबाज शरीफ के वकला ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन ने पहले केस पर फैसला महफूज किया और फिर सुनाया। पेशी के बाद नैब हुकाम ने शहबाज शरीफ को वापस नैब ऑफिस पहुंचा दिया। शहबाज शरीफ 9:15 बजे अदालत आए तो पिछली पेशी वाली थी सूरत हाल। वकला लीगी कारकुनों का रश, कमरा अदालत के बाहर शदीद धक्कंपे। शहबाज शरीफ अदालत तक पहुंचने में मुश्किल से हुए 2-4। कमरा अदालत तक पहुंचते पहुंचते ओपोजिशन लीडर को 15 मिनट लग गए। सीढ़ियों के जरिए कमरे अदालत गए। केस की समाअत 1 घंटा तक जारी रही। नैब ऑफिस से एहतसाब अदालत और फिर कमरे अदालत तक पहुंचने की सारी रुदात। मेरे साथ बहुत जुल्म और ज्यादती हो रही है, इजाजत दें कुछ कहना चाहता हूं। शहबाज शरीफ की अदालत से दरख्वास्त, आपको इजाजत है बताएं। अदालत, जिस्मानी रिमांड को 25 रोज हो चुके, नैब अभी तक कुछ साबित नहीं कर सका। सब्र और तहम्मुल से नैब अफसरान को बर्दाश्त किया। कैंसर का मरीज हूँ, मेडिकल चेकअप की इजाज़त नहीं दी गई, फैमिली से मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। शहबाज शरीफ ने रोस्टरम पर खड़े होकर तमाम परेशानी बयान की। शहबाज शरीफ की पेशी अदालती अहाते में दाखिले की इजाजत न मिलने पर लीगी कारकुन बिफर गए। पुलिस से तू तकार हाथापाई। मेयर मुबशर जावेद और डिप्टी मेयर्स को एमएओ कॉलेज से आगे ही न जाने दिया गया। कारकुन अदालत के बाहर शहबाज शरीफ के हक में नारेबाजी करते रहे। नारों में मगन ख्वाजा इमरान नजीर और यूसी चेयरमैन अलीम मजीद की जेबें कट गईं। कमरा अदालत के बाहर रोकने पर वकला के पुलिस से भी तलकलामी। सिर्फ हमजा शहबाज को कमरे अदालत में जाने की इजाज़त मिली। कमरे अदालत में शहबाज शरीफ की वकला और हमजा शहबाज से मुशावरत। नैब और मंशा बम में कोई फर्क नहीं है। क्या कहा है मैंने? नैब और मंशा बम में कोई फर्क नहीं है। मंशा बम गैर आइनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से लोगों के ज़मीनों पे कब्ज़ा करता है और नैब जो है लोगों की आज़ादी को कब्ज़े में लेता है। नैब और मंशा बम में कोई फ़र्क नहीं, न्याजी साहब नैब के पीछे छुप रहे हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकियां देते हैं। न्याजी साहब किसको डराते हैं? हमजा शहबाज की नैब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं नैब प्रोसिक्यूटर ने आज भी आए बाएं शाएं मारी, शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। तर्ज
ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے کارکنوں کو روکنا غیر جمہوری عمل قرار دے دیا. کہتی ہیں پی ٹی آئی کنٹینر پر چڑھی، پی ٹی وی پر حملہ بھی کیا، ہم نے کبھی ایسے حربے استعمال نہیں کیے تھے. حمزہ شہباز والد کے غم فراق میں ذہنی توازن کھو بیٹھے، آزاد اداروں کے خلاف بے تکی اور بے ڈھنگی باتیں کر رہے ہیں، اب عوام بے وقوف نہیں بنیں گے. صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا حمزہ شہباز کے بیان پر رد عمل. سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش کے عرس مبارک کے دوسرے روز بھی رونقیں، ملک بھر سے زائرین کی جوک در جوک آمد، چادر پوشی، فاتحہ خانی، قرآن خانی، ذکر و اذکار کے محافل کا سلسلہ بھی جاری. فضا درود و سلام کے صداؤں سے معطر، عقیدت مندوں کی ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، لنگر و نیاز تقسیم کیا جا رہا ہے. وزارت مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی کے زیر اہتمام قومی علماء مشائخ کونسل کا اجلاس، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق کی خصوصی شرکت. آئین سے اقلیت کی اصطلاح کا خاتمہ ہونا چاہیے، اس اصطلاح سے ایک محرومی ہوتی ہے. علماء مشائخ کونسل کی قانونی شکل بنائی جائے، مفتی منیب الرحمان. انسانی صحت سے کھیلنے والے باز نہیں آ رہے، پنجاب فوڈ اتھارٹی کا بیگم کوٹ میں چھاپہ. مختلف انرجی ڈرنکس کے 9,99,960 ٹن، 3,00,000 سے زائد غیر قانونی جوسز کے ڈبے، 10,00,000 کے لگ بھگ کافی کے ڈبے اور پیکٹ سمیت بڑے بڑے برانڈز کے کروڑوں روپے مالیت کی دیگر ایکسپائر اشیاء پکڑی گئیں. تمام ایکسپائر اشیاء کی تاریخ تبدیل کر کے دوبارہ فروخت کیا جانا تھا، ڈی جی فوڈ اتھارٹی. ایل ڈی کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کا گلشن راوی اور سمن آباد میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن، کئی غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا، بلڈنگ پلان کے برعکس تعمیر پر عمارت سیل. نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ، پنجاب کے 3 مزید شہر منصوبے میں شامل کرنے کا فیصلہ. ننکانہ صاحب، تحصیل سمندری اور جوڑاوالا میں بھی گھر بنیں گے، لاہور سمیت صوبے کے 13 شہر پہلے ہی منصوبے میں شامل. اور سمگلر حسینہ ٹریسا کی ایک مرتبہ پھر سچ دچ کر عدالت میں انٹری، سیشن عدالت نے وکلا کو بحث کے لیے طلب کرتے ہوئے سماعت 31 اکتوبر تک ملتوی کر دی.